सीमा से सटे ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर पहुंचकर न्यूज 18 की टीम ने सेना के जवानों के साथ वक्त बिताया। यह भी सच है कि सेना के जवानों की मुस्तैदी की वजह से ही आज देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। दिवाली के मौके पर गीत गाकर सेना के जवानों ने अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह प्रकट किया। चलने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। दिवाली का वक्त है और दिवाली की जो है फेस्टिविटीज में देश खोया हुआ है, लेकिन चैन और अमन के साथ देशवासी दिवाली मना पाए इसके लिए जवान जो हैं देश के वो सीमाओं पे डटे हुए हैं। इस वक्त भी मैं नौशहरा सेक्टर में मौजूद हूँ और बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट है, उसके सामने पीओके का इलाका है और यहाँ भी इस वक्त 2400 घंटे जो हैं जवान डटे हुए हैं। और ये जवान क्या सोचते हैं इस दिवाली को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? दिवाली का फेस्टिवल है, देश जो है चैन और अमन से बना, इसलिए आप यहाँ डटे हुए हैं। जी, जय हिंद। दिवाली के इस पावन अवसर पर हम ये कामना करते हैं कि हमारा देश हमेशा शांत रहे, सुरक्षित रहे और हर एक भारतवासी अपने जीवन खुशहाली और समृद्धि बनाए रहे। दिवाली पर हम सभी घर वालों से मिलने की चाहत रखते हैं, लेकिन ड्यूटी की वजह से हमें यह मौका काफी कम ही मिलता है। आप दिवाली खुशियों से यहाँ अपने साथियों के साथ मनाते हैं और आपकी वजह से जो है देश सुरक्षित है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? जो इस त्यौहार है, त्यौहार पर हमारा जो ये जज्बा है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और हम हमारे वीर भाइयों के साथ मिलकर हमारा जो ड्यूटी है, जो देश का रक्षा है, वो हम काफ़ी दृढ़ कर करते हैं। और साथ ही जो मैं कहना चाहूँगा, जो सारे मेरे भारतवासी भाइयों के लिए, भारतवासियों के लिए, कि संपूर्ण हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। आपने एक बात सुनी कि उन्होंने कहा कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो इनका जब्जा जो जज्बा है वो डबल हो जाता है और जो ये इस वक्त इनकी जो अलर्टनेस है वो पहले से ज्यादा होती है, क्योंकि दुश्मन इस तरह के ही जो फेस्टिवल्स हैं उनका मौका उठा के घुसपैठ करने की कोशिश करता है। देख सकते हैं ये जज्बा केवल एक सैनिक का ही हो सकता है, चाहे अपने अपने घरों से कितना भी दूर हो, चाहे कितनी भी यहाँ पे चौकसी, इनको हमेशा 24 आवर्स इनको रहना होता है यहाँ पे, लेकिन जज्बा वही है कि यही इनके साथी है, यही इनकी फैमिली है और इनके साथ मिलकर जो है इसी जज्बे को न्यूज 18 भी सलाम करता है। सीमा पर तो वैसे 2400 घंटे सेना के द्वारा निगरानी की जाती है, मगर रात का वक्त जवानों के लिए काफी मुश्किलों भरा होता है। जवानों को मालूम है कि अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, इसलिए अंधेरों में भी सेना को तत्परता के साथ घुसपैठियों पर नजर रखनी पड़ती है। यूं तो एलओसी के साथ सटे इलाकों में 2400 घंटे जो है वो चौकसी रहती है, लेकिन ये चौकसी खासकर फेंसिंग के पास रात के वक्त बढ़ा दी जाती है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब दुश्मन की ये कोशिश होती है कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए घुसपैठ की जाए। और रात के वक्त आप देख सकते हैं दबे पांव के साथ इसलिए भी चला जाता है फेंसिंग के पास, कहीं दुश्मन ने कोई आईडी या लैंडमाइन ना बिछा दिया हो तो उसका भी ध्यान रखना होता है। जो आगे वाली टीम होती है वो इनको डायरेक्शन देती है, यदि वो कहती है कि आप बैठ जाइए, यानी कि कोई थ्रेट है, खतरा हो सकता है, तो उसी वक्त जो टीम है बाकी वो नीचे बैठ जाती है। उसके बाद जब क्लियरेंस मिलता है आगे वाली टीम से, तभी उसके बाद वापस जो है वो पेट्रोलिंग की जाती है। अब पिछले कुछ जहाँ से 1-2 सालों में जम्मू रीजन में आतंकवाद बढ़ा है और घुसपैठ की कोशिशों में तेजी आई है, उसके बाद जो रात के वक्त जो चौकसी है वो पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। एक तो सीसीटीवी कैमरास होते हैं जो कि एक तीसरी आंख होती है सेना की, और जिन इलाकों पे जो सेना पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है वहाँ जो है उन्हीं सीसीटीवी कैमरेज की मदद से चौकसी की जाती है, और जो फिजिकल यहाँ पे पेट्रोलिंग की जाती है वो इन जवानों की तरफ से की जाती है। रात से ये पेट्रोलिंग शुरू होती है, सुबह तक ये पेट्रोलिंग चलती है और यूं ही चलती रहती है, क्योंकि इस बात को यकीनी बनाना इनकी सबसे अहम प्रायोरिटी होती है कि दुश्मन कहीं इस फेंसिंग को काट के भीतर आने की कोशिश ना करे। इसीलिए अपने साथ तालमेल बिठाते हुए ये जवान जो है
आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलिंग करते हैं और देखते हैं कि सामने कोई मूवमेंट तो नहीं है या कोई ऐसी हरकत तो नहीं है जहां से इनको लगे कि कहीं फेंसिंग के आसपास आने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं, और ऐसे में उसी कोशिश को नाकाम बनाने का जिम्मा जो है वो इनके ऊपर होता है। आप देख सकते हैं कि इनके पास अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो अब हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पिछले कुछ सालों में नॉर्दर्न कमांड आर्मी में भी कई ऐसे अत्याधुनिक जो वेपन्स हैं वो इंडक्ट किए गए हैं, जिनकी कोशिश यही है कि दुश्मन का मुकाबला करना है और कड़े तरीके से करना है, ताकि यदि कोई दुश्मन दिखता है उसी वक्त उसको चैलेंज किया जाता है, और उसी वक्त अगर यदि वो भागने की कोशिश करता है तो उसको वहीं ढेर कर दिया जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सेना को जंगलों में डेरा डाले रहना पड़ता है। भारतीय सेना अपने दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए उनके हर मकसद को नाकाम बना देती है। अभी आधी रात का समय है और इस वक्त न्यूज 18 की टीम अपने सैनिकों के साथ घने जंगल में मौजूद है, क्योंकि इनपुट इस तरह का मिला है कि 2 से 3 आतंकवादी इस इलाके में हो सकते हैं, क्योंकि गुप जब अंधेरा होता है तो इसका फायदा उठाने की कोशिश दुश्मन की तरफ से हमेशा से रहती है। तो ऐसे ही जवान इस तरह के एम्बुश लगाती है ताकि रात के वक्त जब कोई दुश्मन यहाँ से निकले तो उसको वहीं पे ढेर किया जा सके, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की कोशिश है कि पीओके में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो आतंकी कैंप हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो आतंकवादियों को इस तरफ धकेल दिया जाए, यानी कि घुसपैठ करवाई जाए, ताकि विंटर आने से पहले पहले जो आतंकवादी हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएं, ताकि बड़े पैमाने पर यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। लेकिन ये मुस्तैद जवान, इनकी चौकस निगाहें जो हमेशा दुश्मन पे रहती हैं, और इनसे बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है आतंकवादियों के लिए। देखिए, आप गुप अंधेरे में आपको ये जवान दिखाई देंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी पोजीशन लेके रखी है। ये पोजीशन ले रखे इन्होंने रखी है और सुबह तक ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि दुश्मन कोशिश में होता है कि कब जो है इनकी निगाहें हटे और वापस जो है घुसपैठ कर पाएं, और फेंसिंग को काट के उनकी कोशिश होती है निकल के यहाँ आने की, और वहीं इनकी जो चौकस निगाहें होती हैं वो हमेशा वो डटी रहती हैं, चाहे वो 24 घंटे जो है इनकी चौकसी रहती है। लेकिन इस वक्त जब रात है, आधी रात हो चुकी है, और इस वक्त जो है जंगल में जब आप आते हैं तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता, एकदम सुनसानी होती है, और इस सुनसानी को ही चीरते हुए ये जवान जब आगे निकलते हैं तो दुश्मन को भी ये अंदाजा नहीं होता है कि जो उनका काल है वो आगे ही रास्ते में बैठा हुआ है। जब पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा होता है, तब भारतीय सेना के जवान अपने घरों से दूर सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। जवान एक दूसरे के साथ मिलकर दीप जलाकर दिवाली मनाते हैं। चाहे वो जंगल हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो एलओसी और सीमाएं हो, हमारे जवान अपने ट्रेडिशन और कल्चर को हमेशा जिंदा रखते हैं। दिवाली का मौका है और अपने जवान जो साथी हैं उनके साथ यहाँ पे माता की पूजा अर्चना करते हुए एलओसी के साथ सटे हुए इस इलाके में ये मंदिर जो है ये आस्था का केंद्र बन चुका है इन जवानों के लिए, और यहाँ दिवाली के वक्त सब जवान आपस में मिलजुल के दिवाली मनाते हैं और यहाँ पे पूजा की जाती है, और ये ही एक तरह से जज्बा है जो भारतीय सेना का जब दिवाली होती है इसी तरह धूमधाम से मनाई जाती है, जब ईद होती है तब भी ये लोग ये जवान जो हैं एक साथ मिलके बनाते हैं ईद को भी, और चाहे वो गुरपुरब हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस हो, सब जो धर्म है सबको एक समानता यहाँ पे मिलती है, और दिवाली के मौके पे जो है ये सब जवान एक फैमिली की तरह, एक आपस में भाइयों की तरह यहाँ पे जो है ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, पूजा की जाती है, उसके बाद मिठाइयां जो है वो बांटी जाती है। ये मंदिर भी एक तरह से इनके लिए का केंद्र ये है कि जवानों को ये यकीन है कि माता रानी मुश्किल वक्त में हमेशा उनके साथ खड़ी है और उनकी रक्षा करने की, और हमारे जो देश के लोग हैं वो भी अपने जवानों को ये विश्वास कहीं ना कहीं दिलाते हैं कि समूचा देश उनके साथ खड़ा है, समूचा देश जो है उनकी एक फैमिली है, और यदि ये अपने घरों से दूर भी है लेकिन कहीं ना कहीं ये जवान जो है इनको महसूस नहीं होने देते इनके साथी जो है कि वो अपने घरों से दूर है, और ये मिलजुल के जब ये दिवाली मनाई जाती है और ये जज्बा दिखा
दिखाया जाता है, तो सहज ही हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो बिल्कुल सक्षम है, हर एक मोर्चे पे जो है वो निडर रहती है। जहां एक तरफ देश की रक्षा के लिए सीमाओं पे 24 घंटे डटे रहती है, वहीं अपने फेस्टिवल, अपने त्योहार, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को भी जिंदा रखती है। सरहद की दिवाली जवानों के जज्बे और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी परंपराओं को जिंदा रखने की एक मिसाल पेश करती है। ये दिवाली कुछ अलग है, ये दिवाली खास है, क्योंकि ये दिवाली है एलओसी वाली। आप देख सकते हैं सीमाओं पर डटे हमारे जवान, जो कि सीमाओं की रक्षा भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं, लेकिन जब कोई फेस्टिवल होता है उसको भी आपस में एक फैमिली मेंबर की तरह जो है साथ में मिल के मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो चौकसी है वो सीमाओं पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों में काफी तेजी आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दिवाली ऐसा फेस्टिवल ना मनाए और अपने घरों से दूर, यही इनकी जो है फैमिली है और ये जो लोग हैं यही जज्बा इनका हमेशा कायम रहता है। चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, सभी फेस्टिवल जो है धूमधाम से मिलकर मनाए जाते हैं। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, क्योंकि आज आवाम की रक्षा करने के लिए आप डटे हुए हैं यहाँ पे। जय हिंद। मैं भारतीय सेना की तरफ से सारे हिंदुस्तानी देशवासियों के लिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आप क्या कहेंगे आपके घरों से दूर आपकी ये जो साथी हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने अहम होते हैं, खासकर कोई त्योहार होता है जब? ये बहुत अहम होता है, जबकि हम घर से दूर होते हैं, तो अभी ये दिवाली चल रहा है तो मैं सबको हैप्पी दिवाली कहना चाहता हूँ। देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप सीमाओं पर डटे हैं और देश में जो है इस वक्त दिवाली की धूम है, खुशियों से लोग जो है दिवाली मनाते हुए सड़कों पर दिखाई देंगे, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? जय हिंद। हम भारतीय सेना की तरफ से पूरा देशवासियों को, हम यहाँ पर तैनात है, आप अपना परिवार के साथ खुशी खुशी के साथ दिवाली मनाइए। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। देख सकते हैं कि ये यहाँ पे तैनात हैं, आप अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी दिवाली मना सकते हैं। आप क्या मैसेज देंगे? जय हिंद। मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी देशवासी को, हम ऑल इंडियन आर्मी की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप अपनी फैमिली को क्या मैसेज देंगे यहाँ? जय हिंद हम इंडियन आर्मी से तरफ से सभी देश वाले से दिवाली का शुभकामनाएं दे। तो आप देख सकते हैं कि जवानों की तरफ से यहाँ सीमाओं से, यहाँ एलओसी के लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक जो है बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल बट सटे हुए इलाके से सब देशवासियों के लिए शुभकामनाएं भेजी गई हैं, दिवाली की शुभकामनाएं हैं। और इनको देश भी ये विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं, समूचा देश इनके साथ मौजूद है, खड़ा है। बेशक ये अपने घरों से दूर हैं, लेकिन ये उनके दिलों से दूर नहीं हैं, क्योंकि इनका जो अभी फैमिली है, परिवार है, वो इनके साथ ही हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैर, न्यूज 18, नौशहरा सेक्टर, LOC। हाल ही के दिनों में जम्मू की कई जगहों पर आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिनका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और लगन से पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, भारतीय सेना हर हाल में देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। जम्मू के नौशेरा से राजन वैद की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिमाचल।